मैं हुणे मरंडे तो चल के आया जीरे तो बंदे आए सी कक्कड़ नाम दे वेद कक्कड़ जी वो कहने जी असीं अकाली दल छड़ के कांग्रेस ज्वाइन करनी मैं कहा जी ऐं नूं मैं उन्हां नूं अपना कांग्रेस दे सरूपे पाए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी हुण मैनूं टेलीफोन आया कहने जी कांग्रेस ज्वाइन करने ते बाद तुसीं बड़ा चंगे हाथ लगाते सानूं साडे घर मुंडा जम्मिया मैं क्या यार बड़ी बधाई होवे तुहानू कहने जी बड़ा चंगा हो गया एक होर गल मैं क्या क्या कहने जी एक घंटा पहला जमदा अकाली जमना सी हुण कांग्रेस ही जमिया उन्होंने इस गल की भी खुशी है कि मुंडा कांग्रेस ही जमया नरेंद्र ने भी ज्वाइन करा ली दो मंगाए ये जनरल सेक्रेटरी ने जी नहीं ब्याह इहदा कंबड़ी वाले संतां कोल आ जा मुंडा भी कांग्रेस ही जम्मूगा करने करने थोड़ी जी गल तो कर ली दो मिनट रोको करे ना पो ना नहीं नहीं आई ठीक है मेरे आई मनु संत आई ठीक है थोड़ा सारे का स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद तो सब तो पहला मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहता कि मैं इलेक्शन डेट डिकलेयर होने तो बाद इलेक्शन कमीशन नू एक लैटर लिखिया सी जिदे विच मैं उन्होंने बेनती की सी कि जेड़ा वोटां दा दिन है वो 14 फरवरी तय होया है लेकिन 16 फरवरी नू गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा है संगतां बनारस जांदियां जिदे करके वोटां दे विच मुश्किल आएगी लोकां ने बाहर चले जाना है वोट पाउण दे हक तो वांझे रह जाणगे इस करके तुसी किरपा करो ये डेट 6 दिन अगे पा दो मैनू डेरा बल्ला वालिया ने भी कहा सी बहुत संगतां दे बहुत लोकां दे टेलीफोन भी आए सी असी बतौर मुख्यमंत्री सरकार वल्लों इलेक्शन कमीशन नू बेनती कीती सी ते मैनू खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने साड़ी वो बेनती प्रवान की है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने बनारस जाना है या पंजाब दे विच भी 14 तरीक नू हर पिंड दे विच लगभग अखंड पाठ रखाए जाने ते 16 तरीक नू जन्मदिन वाले दिन भोग पैने हैं तो लोग उहदे विच रुझे होणगे वोटां दे विच दिक्कत आनी सी इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन का हार्दिक अपने वालों बतौर मुख्यमंत्री सरकार वालों तो पंजाब के लोगों वालों धन्यवाद करना चाहता कि उन्होंने जी डेट है वह जन्म दिहाड़े को देखते दे हुए एक हफ्ता 6 दिन अगे पाई है तो 20 तरीक हूँ वोटा पैणगियां इसलिए पंजाब दे लोगों वालों मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करदा तो मैं अज क्योंकि ये मेरी बेनती तो होया है इसलिए इलेक्शन कमीशन नू चिट्ठी पाई है जिदे विच सुशील चंद्रा जी जेडे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने नाम से चिट्ठी भेजी है पूरे इलेक्शन कमीशन का मैं धन्यवाद किया है कि तुसी साड़ी मंग नू मुख रखते हुए डेट आम तौर पर इस तरह होया नहीं कदे कि एक बार इलेक्शन डेट डिकलेयर हो गई होवे तो उस तो बाद वो बदली गई होवे ये पहली बार इतिहास होया और मैं पंजाब सरकार वालों और पंजाब के लोगों वालों इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद करदा दूसरा आज थानू एक होर मकसद लई भी बुलाया गया है आम आदमी पार्टी जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच विचर रही है ज
जिस तरीके दे नाल बाहर दे लोग आके पंजाब दा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, जिस तरीके दे नाल राघव चड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों नूं माड़ा चंगा कहा, जिस तरीके दे नाल किसान मोर्चे ते एलीगेशन लगे है, उस दी पंजाब दे विच बड़ी भारी किसानों दे विच और पंजाब दे लोकां दे विच रिजेंटमेंट है। जिस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां नूं ठगण दीआं खबरां पंजाब चों आ रही हैं, जिस तरीके दे नाल टिकटां बारे च वख वख तरहां दीआं एलीगेशन पंजाब चों आ रहे है, उस ते पंजाब दे लोग पिछली बार भी दुखी होए सी, ऐतकी फिर दुखी है। इन्हां ने किसान मोर्चे तो पैसों का हिसाब किताब मंगया है। मैं इन्हां तो पैसों का हिसाब किताब मंगदा, जिहड़ा अरबां रुपया पिछली बार NRIs ने इन्हां नूं दित्ता, उसका हिसाब किताब दे देण जे किसान मोर्चे तो इन्हां ने हिसाब किताब मंगना है। सो लेकिन ये गल्लां वक्खरियां हैं। अज मैं थोनू दसना चाहता है कि पहला इन्हां दे लगभग 10 MLA 20 चों इन्हां नूं छड्ड चुके है हाई कमांड तो तंग आके, क्योंकि पंजाब दे लोकां दी कोई सुनवाई नहीं है। पंजाब दे जिहड़ा कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी दा, डिक्टेटरशिप चलती है इस पार्टी, जिस तो तंग आके 10 MLA 20 चों इन्हां दे छड्ड चुके है, उन्हां नूं अपनी लीडरशिप ते विश्वास नहीं रहा। 3 MP इन्हां दे छड्ड चुके है, अज उन्हां दे जेडे हुण नवें कैंडीडेट डिकलेयर कीते है, उन्हां चों एक कैंडीडेट ने सच दा आसरा लेके सच दा लड़ फड़ के अपने आप नूं सच दे विच उभारिया है, ताकत जुटाई है, हौसला करिया है। आम आदमी पार्टी दे लीडरां दियां गलत नीतियां दे खिलाफ बोलण दा और उन्हें हौसला कीता है, हौसला करके आम आदमी पार्टी दा टिकट ठुकराया है। अजिहे नौजवानां दी पंजाब दे लोकां नूं लोड़ है, जरूरत है, क्योंकि यह अपने आप नूं क्रांतिकारी शो करदे, यह अपने आप नूं इनकलाबी शो करदे, लेकिन असलियत यह है कि नौजवानों नूं वरगला के पंजाब दे विच बाहरों आके राज करना चाहते, जिहड़ा कि पंजाब दे नौजवान नूं पंजाब दे लोकां नूं मंजूर नहीं है। सो मेरे नाल अमनदीप सिंह जी आशु बांगड़ बैठे है, जिहड़े कि फिरोजपुर रूरल ते आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार सी। इन्हां ने एक कोशिश की है कि पंजाब दे लोकां नूं जो इन्हां ने महसूस किया आम आदमी पार्टी दे विच कि यह क्रांतिकारी नहीं, यह एक ड्रामा करन वाले लोकां दी पार्टी है, जिहड़े ड्रामा करके पंजाब नूं लुटना चाहते है, ये महसूस करके इन्होंने उन्हां दी टिकट नूं ठुकराया। इन्हां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं इन्हां कोल जीरा साहब नूं भेजिया देख के, ते मैं इन्हां नूं बेनती की है कि थोड़े वर्गे जिहड़े होनहार नौजवान है, जिहड़े सच ते खड़ सकदे है, जिहड़े किसे टिकट नूं भी ठुकरा सकदे है, उन्हां दी पंजाब दे लोकां नूं लोड़ है, साड़ी पार्टी नूं लोड़ है, इस करके तुसी साड़े विचकार आओ। इन्होंने साड़ी बेनती प्रवान की है, तो अज असी इन्हां नूं पार्टी ज्वाइन करा जा रहे, तो नाल फिरोजपुर रूरल तो ही इलैक्शन भी इन्हां नूं लड़ावांगे।